अस लॉन्ग वीवोस एंड वेलकम टू माई चैनल सो आज का जो वीडियो है वो टोटली हमारा हेल्थी ड्रिंक के ऊपर मैंने बनाया है और इफ़ यू वॉन्ट टू गेन अ प्रोटीन सो इट्स अ सच अ राइट प्लेटफॉर्म सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ पे मैंने यहाँ बनाने जा रही हूँ सत्तू का ड्रिंक और यहाँ पे सारी इसकी बेनिफिट्स यहाँ पे हैं so, सत्तू बनाने के लिए बेसिकली हमें चाहिए ब्लैक ग्राम और यहाँ पे मैंने ब्लैक ग्राम ले रखे भुने हुए काले चने हैं और इसके बाद यहाँ पे पिंक नमक जिस जिसे हम काला नमक भी कहते हैं काली मिर्च और जीरा एंड नींबू सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और यहाँ पे मैंने ज़ीरा और काले मिर्च जो हमारे हैं वो मैंने पहले रोस्टेड कर रखा है तो आप रोस्ट करके इसे यूज़ किया दें इसे हम ब्लाइंड करेंगे तो so, इसे एक मिक्सर जार में मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी और नॉर्मली हम जैसे ब्लाइंड करते हैं एक पाउडर सा टेक्स्चर हमें लाना है तो इसे हम ब्लाइंड करना स्टार्ट करेंगे इससे क्या होता है जब हम रोस्ट करके डालते हैं तो हमारी ब्लाइडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथी एंड बहुत जल्दी हो जाती है ब्लाइंडिंग तो इस तरीके से और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है जीरो को जब हम भून के डालते हैं तो इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर अब मैंने ले रखे हैं भुने हुए चने मार्केट में दो तरीके चने प्रोवाइड होते हैं एक छिलके वाले एक विदाउट छिलके वाले तो मैंने यहाँ पर विदाउट छिलका ले रखा है आप के पास जो हो आप यूज़ कर सकते हैं गाइस और इसे हम इस तरह हम ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करते हुए आपको ध्यान रखना है बिल्कुल आपको एक सा पेस्ट लेना है फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लेना है तो यहाँ पर मैं इस अभी चेक कर लेंगे अपने हैंड से फिंगर की हेल्प से कि ये बारिक है या नहीं अगर बारीक ना हो तो आप दोबारा पीस सकते हैं बिल्कुल फ़ाइन पाउडर होना चाहिए तो so, यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरह जो बाकी के चने हैं हमारे इसी तरह मैं सारे चने पीस लूँगी सेम प्रोसेस से ही इसे पीसना है पीसते हुए हमें बहुत एहतियात से सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक होनी चाहिए जब हमारे पीस जाए तो अब हम स्ट्रेनर लेंगे इस तरह हम छान लेंगे कि अगर कोई बारीक या कोई चना है जो नहीं पीसा है तो वो हमारे स्ट्रेनर में रह जाएगा और हमें एक फ़ाइन सा पाउडर में प्रोवाइड होगा तो इसी तरह छान लेंगे सारे चने को देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे जो पिसे हुए चने नहीं थे वो हमारे पास आ चुके हैं देन इसके बाद यहाँ पे हम अब हम क्या करेंगे जो हमने काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर पीसा था देन ब्लैक सॉल्ट अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आप कितना नमक खाना पसंद करते हैं और ज़ीरा पाउडर ज़्यादा नहीं वन टेबल स्पून एंड वन एंड हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे आप स्टोर कर सकते हैं सिक्स मंथ से लेकर वन ईयर तक स्टोर कर सकते हैं गाइज बिकॉज ये हमारा बिल्कुल होम प्रोटीन पाउडर है इसे आप चाहें तो अपने वेट लूज में भी ऐड कर सकते हैं और समर में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है हमारी बॉडी के लिए और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस और अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आप इसे अपने डाइजेशन के हिसाब से भी ले सकते हैं और इसमें हमारे स्किन से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इम्प्रूव करता है प्राइस बारे आते हैं हमारे स्टोरेज की तो हमें इसे स्टोर कैसे करना है तो यहाँ पे मैंने कांच की बॉटल टाइप की ले रखी है उसमें स्टोर किया है अगर आप प्लास्टिक में स्टोर करें तो आपको ध्यान रखना कि एयर पास आउट ना हो तो इस तरह हम स्टोर कर लेंगे और ये हमारा सिक्स टू वन ईयर तक बिल्कुल ही ईजली uh, से स्टोर हो जाएगा हमें जब मन करे आपको यहाँ पे वन या थ्री टेबल आप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्पून थ्री टेबल स्पून इज़ इनफ़ सो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे अपना ड्रिंक बना सकते हैं सो so, मैं आपको ड्रिंक बना के भी दिखा सक, दे रही हूँ तो so, यहाँ पर मैंने थ्री से फोर टेबल स्पून यहाँ पर सत्तू ऐड किया है देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे uh, जो हमने ज़ीरा पाउडर बनाया था अगर ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है। अगर आपने ऐड नहीं किया तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं ज़ीरा पाउडर एंड सॉल्ट पिंक सॉल्ट ऐड कर लें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है ब्लैक सॉल्ट हमारी डाइट के लिए और इसके बाद हम इसमें ऐड कर लें कुछ वाटर और इसके बाद वाटर हम हाफ़ ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने आइस uh, क्यूब्स अगर आप आइस क्यूब्स लेना नहीं पसंद करते तो यहाँ पे आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं बिकॉज़ ये आपको uh, अगर आप प्रोटीन रियल में गेन करना चाहते हैं तो बेस्ट है बेस्ट वे है कि आप यहाँ पे प्रोटीन बिकॉज़ यहाँ पे हंड्रेड ग्राम में आपको ट्वेंटी ट्वेंटी ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड होता है तो ये बेस्ट वे है आपको रियल में प्रोटीन गेन करने का और यहाँ पे इस तरह से हम शेक कर लेंगे जो भी हमारा सत्तू है वाटर एंड लेमन और जो हमें स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इससे क्या होता है जो हम ज़ीरा और जो काली मिर्च है उससे थोड़ा और टेस्ट हमारा जायका बढ़ जाता है सो तो इसे हमें पीने में और थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा और वाटर ऐड कर लेंगे यहाँ पे आप पुदीने की पत्ती ऐड कर सकते हैं इससे हमारी ड्रिंक थोड़ी और रिफ्रेशिंग हो जाती है सो तो यहाँ पे हम से इस तरह से इस यहाँ पे हमारा ड्रिंक जो हमारा सत्तू का प्रोटीन ड्रिंक है रेडी हो चुका है विदाउट एनी केमिकल्स सो so, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक क्लियर कीजिए कि इससे मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ और बनाने का सो so, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप अपनी ड्रिंक को इंजॉय कीजिए और आप ख़ुद बनाइए मेरे साथ कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको क्या अफेक्ट मिलता है बिकॉज इट्स अडिंग ड्रिंक एंड इफ़ यू वॉन्ट टू लूज़ योर वेट सो यू कैन ऑल्सो एड इन योर डाइट सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो